हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, और वो नेम रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, मींस हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा, आपको HVZ रिएक्शन बिल्कुल ईजिली आज क्लियर होने वाली है, एकदम 100% क्लियर हो जाएगी, एकदम मक्खन हो जाएगी, ठीक है। बस कंसंट्रेशन, फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा एंड तक, ठीक है, वीडियो एंड तक देखना है, ओके। चलिए तो HVZ रिएक्शन की जो थ्योरी है सबसे पहले वो करेंगे एंड देन इसकी रिएक्शन देखेंगे हम, ठीक है। तो लिखा क्या है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन टू फॉर्म अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। इफ द एक्सिस ऑफ हेलोजन इज यूज्ड, द हेलोजिनेशन कंटिन्यूस टू रिप्लेस ऑल द अल्फा हाइड्रोजन्स, है ना। जो HVZ रिएक्शन है इसमें एज अ मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यह कैसे फॉर्म होगा, कैसे ऑब्टेन होगा, तो जब अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में, दोनों में से एक, ठीक है। तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में अगर हम ट्रीट करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, है ना, स्मॉल अमाउंट लेना है हमें रेड फास्फोरस का, तो उसकी प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं या ट्रीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किए हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, हेलोजन एटम के थ्रू, और यहाँ पर फिर एज अ मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, HVZ मींस हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब हम हेलोजन को एक्सिस में ले लेंगे तो यहाँ पर जितने भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उस कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन एटम के थ्रू, है ना। रिएक्शन हम देखेंगे, सब कुछ इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर के वीडियो को एंड तक देखना है, बस यही काम है आपका, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और ये क्या कंटेन करेगा, अल्फा हाइड्रोजन। चलिए तो दो एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप बताइए मुझे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए एक है यहाँ पर HCOOH, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा है CH3CH2COOH, है ना। ये क्या है, मिथेनोइक एसिड है, और ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जिसको पता होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मैंने अधिकांश वीडियो में, मैक्सिमम वीडियोस में बताया है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब ये तो है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से आप देखिए कोई कार्बन अटैच है क्या, नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन अटैच नहीं है, मींस यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, है ना, नो अल्फा कार्बन, है ना। मिथेनोइक एसिड में कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन, है ना, ये क्या है, बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर अल्फा कार्बन पर फोकस कर रहे हैं और अल्फा हाइड्रोजन पर, ओके। तो यहां पर देखिए, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मिथेनोइक एसिड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो प्रोपेनोइक एसिड है वहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये हम एज अ रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं इस रिएक्शन में, क्लियर है, है ना। चलिए तो चलिए यहाँ पर हम रिएक्शन में प्रोपेनोइक एसिड लेने वाले हैं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। चलिए तो CH3CH2COOH, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपे
नोइक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, या तो आप क्लोरीन के साथ में करवा सकते हैं या फिर ब्रोमीन के साथ में। चलिए क्लोरीन के साथ में हम रिएक्शन करवा देते हैं। और किसकी प्रेजेंस होगी यहां पर, स्मॉल अमाउंट में हमें रेड फास्फोरस लेना है ना, रेड फास्फोरस यहां पर प्रेजेंट होगा। चलिए अब यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए तो अल्फा हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से शो कर रहा हूं, देखिए कैसे यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लियर। चलिए अब यहां से HCl और यहां से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन, ये किसके किस फॉर्म में एग्जिट हो जाएगा, HCl, ठीक है, HCl के रूप में एग्जिट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहां से जो एक हाइड्रोजन गया है उसको अलग कर दीजिए, है ना, H एंड Cl, ये एग्जिट हो चुका है HCl के रूप में। तो हमारे पास अब क्या बचा, देखिए CH3 यहां पे कार्बन और ऊपर एक हाइड्रोजन है, और यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, हेलोजन एटम। तो देखिए क्लोरीन एक हेलोजन है, तो इसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है ना, और ये खुद इसकी जगह आकर के बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। तो CH3C यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह एक Cl आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारे पास, COOH, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर अल्फा पे हेलोजन अटैच है, तो ये हो जाएगा अल्फा क्लोरो 1, 2, 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, क्लियर। चलिए अब अगर और हम क्लोरीन के जो एटम है वो ऐड कर दें यहाँ पर, यूज कर लें यहाँ पर, तो क्या होगा, है ना, एक्सिस में हम ले लें हेलोजन को, तो क्या होगा। चलिए यहाँ पर फिर से हम क्लोरीन ले लेते हैं, है ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एंड यहाँ से HCl, ये HCl के फॉर्म में एग्जिट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए CH3 देन C, हाइड्रोजन चला गया, इसकी जगह आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट था पहले, और यहाँ पर COOH, तो ये क्या हो गया, देखिए अल्फा कार्बन पर दो क्लोरीन अटैच है, तो हम यहाँ पर इसकी पोजीशन रिपीट कर देंगे, अल्फा कोमा अल्फा डाई क्लोरो, सही है, डाई क्लोरो क्यों लिखा, दो क्लोरो है इसलिए, अल्फा कोमा अल्फा डाई क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर है, आपको प्रॉपरली दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये HVZ रिएक्शन हो गई, कुछ भी नहीं करा हमने, अल्फा हाइड्रोजन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन हेलोजन यानी कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एंड HCl रिप्लेस हो जाएगा, HCl के रूप में हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा क्लोरीन, देखिए कुछ भी नहीं करा, सिर्फ क्लोरीन को ऐड किया, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। जब हम हेलोजन को एक्सिस में लेते हैं तो क्या होता है, जब तक हेलोजिनेशन होता रहता है जब तक कि अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो रिप्लेस ना हो जाए, सबके सब रिप्लेस ना हो जाए, वहां तक हेलोजिनेशन चलता रहता है। तो यहां पर देखिए एक और अल्फा हाइड्रोजन था, तो इसको फिर से रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन ने और इसकी जगह आ गया है। तो ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये अल्फा कोमा अल्फा डाई क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप HVZ यानी कि हेल वुलहर्ड ज़ेलेंस की रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज क्लियर हो चुकी है।